हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और दोस्तों गुड मॉर्निंग, अभी बज रहे सुबह के 6। एक्चुअली हुआ था कि 5 बजे से मेरा दोस्त मेरे रूम पे आया था, उसकी एग्ज़ाम है यहाँ पे भोपाल में कांस्टेबल की, तो उसका सेंटर भोपाल में आया है, तो मेरे रूम पे आया था वो। तो वो 5 बजे से आया है और तब से हम जग ही रहे हैं। वैसे तो मैं नॉर्मली 6 बजे तक उठ जाता हूँ, तो उसको मैं अभी छोड़ के आया हूँ। अभी उसका रिपोर्टिंग टाइम भी है 7 बजे का, तो वो जाएगा धीरे धीरे, 1 घंटा तो लगेगा उसको जाने में। तो उसको बाहर तक छोड़ने के लिए आया था मैं, और वापस जा रहा हूँ मेरे रूम पे। और आज है 5 सितंबर, तो सभी टीचर्स को हैप्पी टीचर्स डे। जितने भी लोगों ने सिखाया है उनको हैप्पी टीचर्स डे। तो जाता हूँ रूम और ब्रश व्रश करते हैं, फिर उसके बाद रेडी होते हैं अपने वापस कॉलेज जाने के लिए। दोस्तों इस 7:30 इन मॉर्निंग, और अभी मैं जा रहा हूँ क्या बोलते हैं मंदिर की तरफ। ये रहा मेरा मंदिर का सामान, तो मंदिर से दर्शन करके आते हैं। आज मैंने मोबाइल ले लिया है, रोज़ तो मेरा मोबाइल लेना नहीं होता है। चलो जल्दी से जाके आते हैं, फिर रेडी भी होना है कॉलेज के लिए। दोस्तों अभी मेरा एक स्टूडेंट का फ़ोन आया था टीचर्स डे के लिए, विश कर रहा था। अरविंद नाम है उसका, अगर वो व्लॉग देख रहा है तो तुम्हारा नाम मेंशन किया है मैंने मेरे व्लॉग में, अरविंद। और वापस रूम पे, अब मुझे ऐसा लग रहा है ना मैं वापस सो जाऊँ, मतलब नींद आ रही है मुझे, बट सो नहीं सकते, जाना है वापस कॉलेज अपने को, और फिर से रेडी भी होना है। बाकी थोड़ी देर लेट जाता हूँ मैं, क्योंकि कल भी मुझे ऐसे ही लग रहा था कि मैं सो जाऊँ, सुबह सुबह क्या उठते नहीं आता है इतनी जल्दी। खैर तो अभी थोड़ा सा बैठते हैं, फिर तैयार होते हैं, फिर कॉलेज जाना ही है। आज फंक्शन है कॉलेज में टीचर्स डे का, तो वो भी बताऊंगा आपको। दोस्तों कॉलेज के लिए रेडी हो गया हूँ मैं, और मैंने पहना है ब्लैक शर्ट और नीचे क्रीम पैंट पहनी है। ये आज का हमारा लुक है टीचर्स डे का। तो बस आने में ही है, अभी जाते हैं कॉलेज और करते हैं इंजॉय। दोस्तों 1 घंटा बस में बैठने के बाद कॉलेज पहुँच गए हैं, और अभी सब धीरे धीरे सब सारी फैकल्टी आ रही है। अब पता नहीं प्रोग्राम कब से स्टार्ट होगा, और मुझे तो है ना भूख लग गई है, सुबह जल्दी उठ गया था ना मैं आज, तो मुझे आज भूख लग गई है। मैं तो जाके अभी पीता हूँ चाय पहले, और देखता हूँ लंच कर लूँगा मैं, क्योंकि मुझे भूख लग रही है। और अगर ऊपर जब जाएंगे प्रोग्राम के लिए, तो जो भी फंक्शंस वगैरह होंगे, जो भी एक्टिविटी होंगी, वो सारी आपको ब्लॉग में दिखेंगी। और ज़्यादा अगर गर्मी होगी तो फिर मैं नहीं बैठूँगा वहाँ पर, मैं फिर नीचे आ जाऊँगा मेरा, क्योंकि मुझे गर्मी ज़्यादा सहन नहीं होती है। तो पहले जाते हैं चाय वाय पीते हैं, और बाकी फैकल्टीज से मिलते हैं। तो आप सभी को हैप्पी टीचर्स डे, जो भी ये व्लॉग देख रहे हैं और जो भी टीचर्स हैं, तो उनको हैप्पी टीचर्स डे। तो बैग अंदर का था, दोस्तों अभी हम करेंगे लंच, क्योंकि मुझे लग रही है भूख। तो मैंने मेरे साथ वाले को बोला है कि चलो लंच कर लेते हैं, और अभी इधर प्रोग्राम चालू हो रहा है, क्योंकि चेयरमैन आ चुका है और बच्चों का प्रोग्राम है स्कूल का, तो हमारा ज़्यादा वहाँ काम नहीं है। फिर भी अगर कुछ क्लिप में शूट करूँगा तो आपको ज़रूर बताऊँगा। दोस्तों ये स्कूल है, और ये स्कूल की बच्चों की छोटी छोटी बेंच अलग अलग शेप में, बहुत प्यारी लग रही है। अभी हम यहाँ पर आए थे पानी भरने के लिए, वाटर कूलर का ठंडा पानी, तो इधर स्कूल में वाटर कूलर है, तो हम यहाँ पे आ जाते हैं। काफ़ी मस्त है एकदम, बच्चों की छोटी छोटी चेयर्स। Thank you.
इसी के साथ मैं सभी टीचर्स को हैप्पी टीचर्स मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं बच्चों को पूरा जो प्रोग्राम किया जा रहा है Do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. I send the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast. And that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. सारा जो सार वो पहले ही कह चुके हैं, तो जो मधुर सर ने कहा था कि वही पॉपुलर पेस्ट कर देगा वो, जहाँ पे फाइल में सेव हो जाए वो सेव कर लीजिएगा। और हम सर्वपल्ली राधाकृष्ण के जन्मदिन के अवसर पर भी चलते मनाते हैं, थोड़ी उनकी जीवनी के बारे में हम जानते हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्ण को 16 नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था और 11 बार शांति पुरस्कार के लिए नामित नियमित किया गया था। उनका जन्म 1885 ईस्वी में तमिलनाडु के तिरुथानी नाम की जगह पे हुआ था। वह चारों तरफ से गांव हो चुका है खत्म और अब हम जा रहे हैं और बारिश भी बहुत चालू हो गई है। सारे बच्चे बैठ के यहाँ पर मस्ती कर रहे हैं, पीछे देखो आप यहाँ पर बच्चे मस्ती कर रहे हैं। अब हम जाते हैं और बारिश भी चालू है, जल्दी से सीट पकड़ते हैं। दोस्तों यार पानी बहुत चालू हो गया पूरा, बरसात में मैं भीग भी गया हूँ बस से उतर के। ये देखिए पानी आ रहा है साइड और बारिश अचानक बारिश हो गई थी, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी आज। तो मैं भी रुका हूँ यहाँ पर, मुझे भूख लग रही थी, मैं डोसा खाने के लिए रुका हूँ। तो हम डोसा खाते हैं उसके बाद जाएंगे रूम पे, है ना। और दोस्त भी आ रहा है मेरा, उसका भी पेपर हो गया है और वो गया था घूमने के लिए, तो वहाँ से वो भी वापस आ रहा है। अरे यार दोस्तों मैं तो फंस ही गया, मतलब पानी और तेज़ हो गया और रूम पे जा ही नहीं पा रहा हूँ मैं। इतना तेज़ हो गया कि थोड़ा भी चल रहा हूँ तो मैं भीग जा रहा हूँ, मतलब बहुत पानी तेज़ है मेरा इधर। अरे यार फिर कॉलेज में फंक्शन भी लेट चालू हुआ उस पर वजह से, नहीं तो अच्छा रूम पे जल्दी जल्दी पहुंच जाते हैं हमारे। और मेरे बाहर भी मैंने शूज़ रखे थे, वो भी मैंने अंदर नहीं करे, वो भी सब भीग गए होंगे, सब भीग गया होगा यार। अब बारिश रुक के थोड़ी कम हो। दोस्तों कम से कम 15-20 मिनट में वहाँ खड़े रहा पानी का इंतज़ार करते हुए कि रुकेगा, लेकिन रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। फिर मैं आगे निकल के एक तो मैं भीग गया यार, मैं बहुत सारा भीग गया। अभी मैंने बाल पोछे मेरे, तो अभी मेरा फ्रेंड आने में ही है। और बारिश मतलब अचानक चालू हो गई, बिजली भी कड़क रही है इधर तो बहुत ज़्यादा, मतलब बारिश तेज़ हो रही है और मेरे सारे शूज़ वगैरह सब गीले हो गए, सब बाहर रखे गया था। बारिश का कोई पता ही नहीं था कि आज बारिश हो जाएगी, अचानक बारिश हो गई। तो अभी मैं कपड़े वपड़े चेंज करता हूँ, फिर मिलते हैं रात में अगर। और हाँ एक चीज़ और, ये
टीचर्स डे पे ये बच्चों ने हमको छोटे छोटे से गिफ्ट्स दिए हैं। इसमें मूर्ति है बुद्धा जी की, लाफिंग बुद्धा। इसके पहले जब हम थे तो हमको ना एक सरस्वती माता की मूर्ति दी थी, जो मैंने आपको व्लॉग में बताई भी थी शायद। और इस बार ये छोटी वाली दी है क्योंकि इस बार ज़्यादा बड़ा प्रोग्राम नहीं किया था, कम ही बच्चे थे तो कम ही सबने कॉन्ट्रीब्यूशन किया, तो छोटा गिफ्ट। तो इतना अपने स्टूडेंट्स की तरफ से हम डिज़र्व करते हैं, तो थैंक यू सो मच। दोस्तों ये मैंने ओपन कर लिया है जो हमको छोटा सा गिफ्ट मिला था। तो ये देखिए आप, ये कितनी अच्छी एक मूर्ति टाइप दी है लाफिंग बुद्धा की, जिन्होंने पीछे अपना क्या जो भी पोटली बोलते हैं वो लेके रखा है, उसमें जो भी क्या रहता है। तो बहुत अच्छी मूर्ति है ये, छोटी सी एकदम, कहीं पे भी अपने शो पीस में रखने के लिए।